रोड ट्रिप विद रॉकी सीजन में प्रेजेंटेड बाय महाराष्ट्र टूरिज्म आपका स्वागत है और हम खड़े हैं अलीबाग बीच पे अलीबाग बीच में अवल तो बहुत खास चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर खूब सारे ये हैं पुराने जमाने की ए टी वीज यहाँ पे भाई साहब बैठे नए जमाने की ए टी वी के ऊपर हेलो कैसे हैं भाई साहब ठीक ठाक तो ए टी वी राइड्स हैं यहाँ पर बोट राइड्स है बनाना बोट राइड है जेट स्कीज़ हैं बहुत कुछ कर सकते हैं आप अलीबाग बीच में आके लेकिन हम यहाँ पे आए किसी बहुत ही खास कारण के लिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने साउथ कॉकड़ रीजन पूरा कॉकड़ किया तो 1662 में ये फोर्ट उन्होंने टेक ओवर करके कंस्ट्रक्ट करना सॉलिडिफाई करना शुरू किया और ये बहुत ही खास फोर्ट है कोलाबा फोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है डेढ़ किलोमीटर दूर है और इस टाइम हाई टाइड है यानी कि पानी ऊपर है तो हम लोग बोट में जाएंगे लेकिन जब लो टाइड होती है तो आप चल के भी जा सकते हैं फोर्ट तक और फोर्ट के बारे में क्या एक्साइटिंग है वो तो आपको फोर्ट के अंदर जाके बताते हैं यहाँ पे बीच में एक्साइटिंग चीज़ ये है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में मज़े कीजिए खाइए पीजिए खूब स्नैक्स हैं खूब करने की चीज़ें हैं खूब भाई लोग हैं जो आपको बेस्ट रेट्स देंगे घूमने फिरने के टिपिकली सौ रुपये लगते हैं करीब आधा किलोमीटर आठ सौ गज नौ सौ गज दूर जाके वापस आने के लिए आ, उसके बारे में खैर बाद में बात करते हैं देखते हैं इफ़ यू वांट टू एंजॉय द राइड्स लेकिन अभी कोलाबा फोर्ट जाने का टाइम हो गया है पानी ऊँचा ऐसे हम चलना नहीं पड़ेगा मैं आराम से बोट में जाऊँगा तैरता हुआ गोते खाता हुआ किलोमीटर की दूरी बेस्ट कवर की जाती है बोट पे बैठ के हाँ टाइट पे दो सौ अंदर घूमने के लिए तो अभी हम जा रहे हैं उस गेट की तरफ जो अलीबाग की तरफ वो करता है और वहां पे उतर के थोड़ा सा चलना पड़ेगा लेकिन वहाँ की लेंगे नहीं तो इक्विपमेंट डूब जाएगा तो चलिए देखते हैं कितनी पास पहुंचते हैं पुरानी वॉरफेयर की अगर बात की जाए उस टाइम की जैसे लड़ाइयाँ हुआ करती थी जंजीरा फोर्ट और मुंबई हाबर के बीच में ये फोर्ट बहुत ही स्ट्रेटिजिक महत्व रखता था यहाँ पर थे हजार सोल्जर्स और 700 सौ कैवे यानी कि 1700 आदमी और उनके घोड़े बारूद वगैरह बारूद घर वो था दूर ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोर्ट में प्रॉब्लम ना आए लेकिन यहाँ पर जो वुडवर्क थे सारे यहाँ पर आग लग गई थी और वो सारे वुडवर्क डिस्ट्रॉय हो गए तो ये था मराठा माइट का रीज़न फोर्ट्स ऑल अलॉन्ग द कोस्ट जहाँ पर कोई भी दुश्मन जो आता था उसे जो नेवीज थी छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी और उसके बाद उनके बाद भी जो नेवल फोर्सेस थी मराठा फोर्सेस, वो सब दुश्मनों को दूर रखा करती थी कोस्ट से तो यहाँ पर आके एक सेंस ऑफ हिस्ट्री आपको मिलता है एक सेंस ऑफ प्राइड मिलती है कि उस जमाने में भी कितने महान योद्धा थे यहाँ पर जो अपने देश को बचाना अव्वल तरीके से जानते थे इस फोर्ट की कमांड छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी दरिया सागर और मानिक भंडारी को जिन्होंने इस फोर्ट की फोर्टिफिकेशन को और मजबूत किया और कई असॉल्ट किए ब्रिटिश शिपिंग के ऊपर बहुत ही सक्सेसफुल जनरल्स थे और बहुत काबिल तरीके से इन्होंने इस जगह को डिफेंड किया उसके बाद अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है कहानी जब आगे बढ़ती है तो लगाम आती है हाथ में कानोजी आंगरे के और ये है बहुत ही एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जनरल ये जो दो इंग्लिश कैनन्स हैं ये फेस करती है नॉर्थ ओशन की तरफ और यहाँ पर जो समुद्री बैटल्स हुआ करते थे उनमें यह मदद करती थी फोर्ट की टू इस्टेब्लिश मराठा डोमिनेंस पोर्चुगीज शिपिंग पे और ब्रिटिश शिपिंग पे भी इस एरिया के जो जनरल्स थे जो जो नेवल कमांडर्स थे उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उस शिपिंग को भी हट किया बुरी तरह नष्ट व नाबूद किया और इस फोर्ट की हिस्ट्री और आगे बढ़ती है वहाँ से इसकी ग्लोरी हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी लेकिन इस टाइम पर हालांकि है रोइंस में क्योंकि यहाँ पर आग लगने के बाद सारे बेस्टियन जल चुके थे लेकिन अभी भी यहाँ पहुँच एहसास होता है कि इस फोर्ट की शक्ति का और पावर का और दिखता है कि कितनी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है ये जगह और ख़ास बात यह है कि जब भी मैं ऐसी जगहों में आता हूँ अगर मुझे यहाँ पर यंग लोग दिख जाए हमारे देश के जो अपनी हिस्ट्री को याद कर रहे हैं बैठ के एंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत जगहों को तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है बहुत खुशी होती है और ये देखिए मेरा आज का गैंग फ्रॉम मुंबई हाय गाइस ये सब एम बी ए के स्टूडेंट्स है यहाँ पर आए क्योंकि हिस्टोरिक लोकेशन है उसको देखने के लिए सो दिस इज डैम गुड वेल डन कीप गोइंग तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इस फोर्ट पे योर डे बाय ये जो खूबसूरत फोर्ट्स हैं इनका मकसद सिर्फ वॉरफेयर नहीं था ये कल्चर को वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने की भी जगहें थी जब आप अंदर आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक सिद्धि विनायक मंदिर भवानी माँ का मंदिर हनुमान मंदिर और दरगाह भी है हाजी कमालुद्दीन की तो बहुत सुंदर जगह हैं एक यहाँ पर एक दीप स्तंभ सा बना है ब्यूटिफुल तो यहाँ पर आके बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं पूरा फोर्ट ज़रूर घूमिएगा और इस टाइम पर महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है बहुत काम कर रही है फोर्ट टूरिज्म प्रमोट करने के लिए और रेस्टोरेशन करने के लिए इन फोर्ट्स की और बड़े आ, स्केल पर और यह था शानदार कोलाबा किला तो अगर आपको यह टूर पसंद आया तो मेरे लिए एक फेवर जरूर कीजिएगा जब आप अगली बारी कहीं पर जाएं जहां पर आपको पुराने मॉन्यूमेंट्स ऐसे किले देखने का मौका मिले तो वहां पर जाके ज़रूर देखिए अपनी कंट्री की ग्लोरियस हिस्ट्री और पास्ट और इन चीज़ों को इनक्रेज कीजिए क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव होंगी उतना ही ज़्यादा हेरिटेज हम लोग प्रिजर्व कर पाएंगे तो जर्नी यहाँ पर लेकिन आज ही ख़त्म नहीं होती अभी चलते हैं कहीं और क्योंकि इतना घूमने फिरने के बाद भूख ही लगी है मेरे को